हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को गैरेनी 4 कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो नया डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ सर्च बार पर आना है। सर्च बार पर आने के बाद आप लोग को यहाँ गेम सर्च करना है, गैरेनी 4। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं गैरेनी 4। तो ये देख सकते हो गैरेनी 4 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये गैरेनी 3 जो है वो अवेलेबल हो चुका है, यानी वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो गया है गैरेनी 3। तो चलिए हम लोग गैरेनी 4 को देखते हैं कि कहाँ, ये देख सकते हो आप लोग गैरेनी भी आ चुका है, आया हुआ है, बहुत पहले ही गैरेनी आ गया है। गैरेनी 1, गैरेनी 2 भी आ चुका है। चलिए गैरेनी 4 को देखते हैं कि कहाँ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास से ज़रूर शेयर करना। तो आप लोग देख सकते हो कि गैरेनी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। गैरेनी 4 जो है सब लोग बता रहे हैं कि अवेलेबल है, लेकिन गैरेनी 4 सिर्फ पीसी पर अवेलेबल है, आप लोग को प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो सही जानकारी देख सकें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।